रेडियो चस्का में कार्यरत सुरेंद्र माथुर की पुत्री के साथ लाखों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने कोलकाता से दबोचा है। आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफी समय से कोलकाता से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने इस मामले में 8,14,000 रुपये की ठगी की थी, जिसके लिए पुलिस पूछताछ में जुटी है। एडिशनल SP क्राइम राजेश दंडौतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार सुरेंद्र माथुर की पुत्री को फोन कॉल करके लिंक भेजकर व OTP पूछकर फरियादिया के साथ 8,14,000 रुपये की ऑनलाइन साइबर ठगी हुई थी। दौरान विवेचना पाया गया कि फरियादिया के बैंक खाते से निकली राशि में से 3,00,000 रुपये ऑनलाइन कियोस्क से निकाले गए हैं, जिसके बाद जानकारी मिली कि आरोपी कलकत्ता में है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम कलकत्ता भेजी गई। आरोपी दोनों मुख्यतः बिहार के रहने वाले थे, परंतु काफी समय से कलकत्ता में रह रहे हैं। आरोपियों से लगभग 15 क्रेडिट कार्ड, 8 मोबाइल, थंब इंप्रेशन मशीन, कार्ड स्वाइप मशीन, 17,000 रुपये नकद जब्त किए हैं। आरोपियों की पहचान मनोहर राय थापा रोड कलकत्ता और संदीप केसरी बैरकपुर कलकत्ता के रूप में हुई। ऑनलाइन कियोस्क की दुकान इन दोनों आरोपियों की है। प्रकरण में एक आरोपी जो कलकत्ता का है वह फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही ठगी की राशि को भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिसमें कि एक जो फरियादिया थी उसको एक लिंक भेजा गया था, जिसको उसने लिंक क्लिक कर लिया और लिंक क्लिक करने के बाद उससे अकाउंट से 8,14,000 रुपये निकल गए थे। तो इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि दो आरोपी जो कियोस्क से पैसा निकला गया है, तो उसमें टीम भेजी गई थी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टीम क्राइम ब्रांच की टीम ने जाकर दो आरोपियों को हिरासत में लिया, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। और उनसे 8 मोबाइल और भी कई सामग्री जब्त की गई है। उसके अकाउंट से लगभग 3,50,000 रुपये इनके कियोस्क से निकाले गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा सामान जब्त किया जाकर उनको वहीं पर गिरफ्तार किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड लाया जाकर आज यहाँ पर ग्वालियर के न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें उनसे 17,000 रुपये की कैश जब्त हुए हैं, इसके अलावा मशीनरी जब्त हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, विवेचना जारी है। इन्होंने और लोगों की तादाद भी किए, जैसा कि मैंने बताया, चूंकि अभी आरोपी को लेकर आए, पूछताछ करें, पूछताछ के बाद जो भी खुलासा होगा उसके आधार पर आपको बताया जाएगा। थाना पुरानी छावनी में